जोहार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजय और आप लोग मेरे साथ मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से 20 संभावित प्रश्नों का अभ्यास करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और वो 20 संभावित प्रश्नों का जो सबसे आसान तरीका होगा सॉल्व करने का, उसको सीखते हैं, ठीक है दोस्तों। कम से कम समय में आप मैथ के प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। अगर आपका अप्रोच बहुत सही है ना, अगर आपका अप्रोच सही है तो आप मैथ में 20 में से 20 क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं होंगे। आपको कुछ कॉमन सेंस लगाना होगा और आपको मैथ के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का ये हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, 20 संभावित प्रश्नों का प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 9 to the power 23 और 23 टू द पावर है 32, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट निकालना है, आप कमेंट में इसका आंसर कीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 9 to the power 23 और 23 पे पावर है फिर 32। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि 9 to the power जो 23 है ना, ये 23 कितने बार है, ये 23 जो है ये 32 टाइम्स है, ठीक है, 32 टाइम्स है, ठीक है। तो इसको बनाने का दो तरीका है। पहला तो आप जानते होंगे कि अगर 9 to the power ऑड है, कोई कितना भी पावर हो ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट पे 9 ही आता है, और 9 to the power अगर इवन है, इवन नंबर कोई है तो वो यूनिट डिजिट कितना आता है इसका, 1 आता है। ये तो पहला तरीका हो गया। तो देखो यहाँ पे 3, 3, 3 को कितना बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑड नंबर ही आएगा, मतलब आंसर मेरा क्या आने वाला है, 9 आएगा, है ना, कि 9 to the power ऑड नंबर रहेगा तो आंसर 9 आ जाएगा। और दूसरा तरीका कि आप इसको 4 से, जो भी पावर है उसको सबको हम लोग 4 से भाग दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए 4 से भाग देते हैं तो -1 शेष बचेगा, और ये -1 कितना बार बचेगा, -1 शेष बचेगा 32 बार, है ना। तो -1 को 32 बार गुना करेंगे तो +1 आ जाएगा, तो 9 to the power 1 यानी कि 9 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया दूसरा तरीका, ठीक है। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है कि ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने 35 दिनों तक कार्य किया और फिर ए ने कार्य छोड़ दिया, ठीक है। तो शेष कार्य बी द्वारा अकेले 24 दिनों में पूरा किया गया, ठीक है, पूरा किया, शेष कार्य जो है बी 24 दिनों में पूरा किया। तो बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। इस तरह का क्वेश्चन, क्वेश्चन जिसमें कि कोई बीच में से कार्य छोड़ दे, उस तरह के क्वेश्चन में आप लोग एक अलग अप्रोच से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करना रहता है, इसमें बचे हुए काम पर आप ध्यान दीजिए, है ना, बचे हुए काम पे आप ध्यान दीजिए। देखिए ये आंसर जो है तुरंत आ जाएगा, जैसे कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, देखिए कितना अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और कितना जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दो चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, यहाँ पे आप बचे हुए काम पे ध्यान दीजिए, और एक चीज़ और ध्यान देना है कि टाइम, आप लोग को पता होगा टाइम जो होता है इफ़िशियंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। टाइम और इफ़िशियंसी जो होता है आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ए प्लस बी पूरा काम कितने दिन में पूरा कर सकता था, 45 दिन में पूरा कर सकता था, ठीक है, है ना। लेकिन वो 35 दिन कार्य करने के बाद क्या किया, ए छोड़ दिया। अगर ए नहीं छोड़ता तो वो 10 दिन में पूरा कर लेता ए और बी, और 10 दिन लगता इसको सॉल्व पूरे काम को पूरा करने में, है ना। और जो काम ए प्लस बी 10 दिन में पूरा कर सकता था उसको बी कितना दिन में पूरा किया, 24 दिन में पूरा किया, है ना। तो ये टाइम का रेशियो है कि नहीं, ये टाइम का रेशियो है। इसको अगर हम लोग कट करेंगे यहाँ से, सिंप्लीफाई करें 5 to the power 12 से, तो टाइम का रेशियो क्या आ गया, 5:12, है ना, 5:12। तो यहाँ पे हमारा इफिशियंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, इफिशियंसी का रेशियो उल्टा होता है, 12:5 हो जाएगा। मतलब ए प्लस बी का जो इफिशियंसी है वो 12 होगा और बी का जो इफिशियंसी वो कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। अब हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं।
टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, ये जो इफिशियंसी है ना, ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है 12, और वो पूरा काम कितने दिन में पूरा कर सकता है 45 दिन में। तो ये हो गया इसका इफिशियंसी, सॉरी टोटल वर्क हो गया, मतलब कि उसके इफिशियंसी से, ए प्लस बी के इफिशियंसी से कितना दिन में वो कार्य पूरा कर सकता है उसको गुना कर दिए तो टोटल वर्क आ गया। ये हो गया टोटल वर्क। अब हम लोग को पूछा गया है कि बी जो है अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर सकता था, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 5 है, है ना, एक दिन में वो 5 यूनिट काम कर सकता है। तो टोटल बी जो है वो कितने दिन में पूरा कर सकता है, टोटल काम कितना है 12 × 45, ठीक है, और ये 5 दिन में एक यूनिट काम, 5 यूनिट काम एक दिन में कर सकता है। तो 5 से 5 × 9 = 45, यानी कि बी पूरे काम को 108 दिन में पूरा कर सकता है, 108 इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ये अच्छे से समझा दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, पवन और राजेश की कमाई का अनुपात 11:13 है। यदि पवन की कमाई 17% बढ़ जाती है और राजेश की कमाई 10% बढ़ जाती है तो उनकी कमाई का नया अनुपात क्या है, ठीक है। आजकल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें परसेंटेज और रेशियो दोनों को मिला के कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे हल कर सकते हैं, देखो पवन और राजेश, ठीक है, उसका कमाई का अनुपात कितना है शुरू में 11:13। अब ये पवन की कमाई 17% बढ़ जाती है, 17% बढ़ जाती है मतलब 117 हो गया, मान लीजिए पहले कमाई 100 था तो अब 117/100 हो गया, है ना। और राजेश की कमाई 10% बढ़ जाता है मतलब 110/100 हो गया। 100 से ये 100 चला गया, अब 11 से ये 10 बार में चला गया और 13 से ये 9 बार में चला गया, तो हमारा जो न्यू कमाई का रेशियो है वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 9:10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है ज्योमेट्री से, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उसकी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। संकेंद्रित मतलब कि कंसेंट्रिक सर्कल, है ना, कंसेंट्रिक मतलब जिसका एक ही सेंटर हो, दो वृत्त जिसका एक ही सेंटर हो, ठीक है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन का डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ओ दोनों दो सर्कल है जिसका सेम सेंटर है ओ, ठीक है। तो मान लीजिए इसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर है और जो बाहरी सर्कल है, बाई सर्कल है, उसका रेडियस कितना है आर है, ठीक है। तो हम लोग को बड़े वाले वृत्त का ऐसा जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है ना, जो छोटे वाले वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, मतलब कि हम लोग को ये जीवा की लंबाई हम लोग को निकालना है, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम अगर हम लोग ए बी निकाल लिए हैं तो ये ए बी का लेंथ हम लोग को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मान ली जाए ये रेडियस है तो ये कितना होगा 90 डिग्री, अगर ये टेंजेंट है ए बी छोटे वृत्त पे टेंजेंट होगा तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r² - r² √ पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। तो हम लोग मान लीजिए इसका नाम अगर P दे दे, P पॉइंट पे टच कर रहा है, तो AP इक्वल टू कितना हो जाएगा, AP इक्वल टू हो जाएगा √r² - r², बड़ा r² ये 10² दिया हुआ है और ये 6² दिया हुआ है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 - 36 = 64 √64 यानी कि 8। और ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 2AP, है ना, 2AP ना 2 × 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ए बी से 40% तेज दौड़ता है, ठीक है, और एक ही समय पर दौड़ समाप्त करता है, इसका मतलब क्या है कि टी सेम है ना, समय जो है सेम है, ठीक है। समाप्त करने के लिए फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ए बी से 40% तेज दौड़ता है और एक ही समय पर दौड़ समाप्त करने के लिए बी को 48 मीटर की बढ़त देने में सक्षम है,
दौड़ की लंबाई क्या होगी, मतलब कितने लेंथ की दौड़ थी, ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो 40% का मतलब क्या हुआ, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5। यानी कि अगर ए और बी का स्पीड का रेशियो अगर हम लोग निकालें, अगर बी का स्पीड 5 है तो ए का स्पीड कितना होगा, 7 होगा, है ना। 5 का 40% 2 होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में बोला गया है कि ए जो है बी से 40% तेज दौड़ता है, तो यानी कि अगर ए का स्पीड 7 है तो बी का स्पीड 5 होगा, ठीक है। 7:5 होगा, ये किसका रेशियो हो गया, ये स्पीड का रेशियो हो गया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में टाइम सेम है ना, सेम समय के लिए दोनों दौड़ता है, तो ये यहाँ पे जो स्पीड का रेशियो है वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, है ना, ये 7:5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछता नहीं है, ये क्या बोला गया है कि ए अगर यहाँ से दौड़ स्टार्ट करता है तो बी कहाँ से स्टार्ट करता है, ये 48 मीटर आगे खड़ा होता है, उसको बढ़ा दे देता है, ठीक है। लेकिन दोनों जो है दौड़ कहाँ तक दौड़ रहा है, यहाँ तक दौड़ रहा है, और ये भी यहाँ तक दौड़ रहा है ना। तो हम लोग को ये लंबाई ज्ञात करना है, ये लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। ये लंबाई कितना यूनिट होगा, टोटल ये 7 यूनिट होगा, ठीक है, 7 यूनिट होगा, और ये कितना है, ये 5 यूनिट है, ठीक है। तो ये 48 किसका वैल्यू दिया गया है, डिफरेंस दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का वैल्यू दिया हुआ 48, है ना, कितना गुना, 24 गुना, है ना, एक का वैल्यू 24, तो इसी तरह से 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 × 24 जो कि कितना होता है, 168, ठीक है। तो 168 मीटर का दौड़ था उसका। अगला क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन अलजेब्रा से है, आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको कुछ बेसिक चीज़ों को जानना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 टर्म है ना, और यहाँ पे भी टोटल 3 टर्म है, ठीक है। तो अगर 3 टर्म को 3 टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना टर्म आएगा, 9 टर्म आएगा, ठीक है, 9 टर्म आएगा। लेकिन जो इसका मल्टीप्लीकेशन ही दिया गया है, ये जो हम लोग को ज्ञात करना है ना, वो मल्टीप्लीकेशन ही दिया गया है। देखो अगर हम लोग ए से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये ए बाई ए 1 हो जाएगा, 1 तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, तो 1 वहाँ पे हम लोग मर्जी से ऐड कर देते हैं। अब ए बाई बी दिख रहा है, ए बाई सी दिख रहा है, सब दिख रहा है ना। और यहाँ पे देखो अगर बी से बी को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस बी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस बी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बी बाई बी 1, 1 और आता है यहाँ पे, और यहाँ पे सी से इस सी को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इस सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सी बाई सी 1 आता, तो 1 यहाँ पे और होता, ठीक है ना। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टर्म हो गया ना, तो इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये 20 और 30 भी उधर बराबर के उस साइड मल्टीप्लाई होता तो ये हो जाता 600, ठीक है ना। तो हम लोग को निकालना है इसका वैल्यू, है ना, इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ 3 हम लोग इसमें माइनस कर देंगे, तो ए बाई बी प्लस बी बाई ए प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई बी प्लस सी बाई ए प्लस ए बाई सी, और ये 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, 600 - 3 हो जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 597, है ना। कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें आपको कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 57242 to the power 9 × 7 × 5 × 3 × 2। तो हम लोग को इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो यूनिट डिजिट निकालना है तो हम लोग को बाकियों से मतलब नहीं रहता है, बस यूनिट डिजिट से मतलब रहता है। तो 2 पे पावर कितना, 9 × 7 × 5 × 3 × 1, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये सबको गुना करने के बाद 4 से भाग दे सकते हैं, या फिर आप क्या कीजिए कि पावर को 4 से भाग देना शुरू कीजिए अभी से। तो ये 4 से इसको भाग देंगे तो यहाँ केस शेष कितना बचेगा, पहले में +1 शेष बचेगा, दूसरे में -1, तीसरे में +1 शेष बचेगा, चौथे में -1 शेष बचेगा, और पाँचवें में +1 शेष बचेगा, ठीक है। और सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 1, 2 - 3 + 2 - + हो जाएगा, तो 2 पे पावर 1 बचेगा, ठीक है, 2 पे पावर 1 बचेगा, और आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है सी सेट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से, ठीक है।
आदि 30 आदमी 84 मीटर लंबी दीवार 9 दिनों में बना सकते हैं तो 45 आदमी 4 दिनों में कितनी लंबी समान दीवार बना सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, ये m1 d1 t1 by w1 इक्वल टू m2 d2 t2 by w2। मतलब कि अगर m1 व्यक्ति d1 डेज में, t1 मतलब कि t1 आवर टाइम मतलब कितने घंटे का काम करने के बाद w1 काम करता है, तो m2 d2 t2 by w2 होगा। मतलब कि m2 व्यक्ति d2 डेज में t2 आवर काम करता है w2 डेज में, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे केस में क्या है कि हमारे केस में काम क्या है, दीवार बनाना है ना। तो M1 मतलब कि 30 व्यक्ति जो है वो कितना दिन काम करता है, 9 दिन काम करता है और 84 मीटर दीवार बनाता है, ठीक है। तो दूसरे केस में क्या है, M2 कितना है, 45 आदमी 4 दिन में है ना कितना लंबी सेम दीवार बनाएगा। तो ये W2 हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से W2 हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से अगर W2 9 से ये 5 बार में चला गया, ठीक है, ये 3 से 10 बार में, और ये हो गया आपका 28 से 3 बार में, ठीक है, और ये 5 से ये 2 बार में और 2 से ये 14 बार में। तो यहाँ से W2 क्या आ जाएगा, आ जाएगा 14 चौका, यहाँ 14 बचा है ना, 14 से 4 गुना हो जाएगा ये 56 मीटर। यानी कि 45 आदमी 4 दिन में कितनी लंबी दीवार बना सकते हैं, 56 मीटर दीवार बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, परसेंटेज से चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि चमन लाल, अरशद और जगजीत सिंह ने कोई चुनाव लड़ा था, ठीक है, मतदान के सभी वोट वैध हैं, अरशद को कुल वोटों का 35% वोट मिले थे व चमन लाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिले थे, तो विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले थे, तो मतदान में हुए सभी वोटों की कुल संख्या ज्ञात करें, ठीक है, टोटल वोट कितना हुआ था ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं सबका। देखो चमन लाल है, अरशद है, ठीक है, और जगजीत है, ये 3 उम्मीदवार हैं। चमन लाल को टोटल कितना वोट मिला, अरशद को कुल वोटों का 35% मिला है, ठीक है, ये 35% वोट इसको मिले हैं। अब बोलता है कि चमन लाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिले हैं, मतलब कि हर 35 वोट में से 14 वोट मिले हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आता है, 2/5 है ना, और 2/5 किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 40% का है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो चमन लाल है इसको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं, 40% वोट मिले हैं, इसको 40%, इसको 35%, 40 और 35 75% हो गया, और इसको कितना मिल रहा है, 25% वोट मिल रहा है, ठीक है, 25% इसको वोट मिल रहा है। तो एक आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 49,450 वोट अधिक मिले हैं। तो देखो 40 में से अगर हम लोग सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले हैं, चमन लाल को है ना, चमन लाल को, और सबसे कम वोट किसको मिला है, जगजीत सिंह को है ना। तो चमन लाल को कितने प्रतिशत वोट का अंतर है दोनों में, 15%, और 15% का वैल्यू दिया हुआ है 49,450, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 है ना, इतना 0, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल वोट हो जाएगा 100%, तो वो कितना आ जाएगा, 33,000, ठीक है। तो टोटल वोट कितने पड़े थे, 33,000 वोट पड़े थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ टेन ए बाई टू इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू इस ऑप्शन में से चारों में से क्या होगा। देखो टेन ए बाई टू इक्वल टू एक्स है,
तो x का वैल्यू हमारे इस ऑप्शन में से क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए ना आपको कुछ फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले हैं उसको आना चाहिए। cos 2a क्या होता है, cos 2a होता है साइन के टर्म में 1/2 साइन स्क्वायर ए, है ना। और cos 2a होता है cos के टर्म में होता है 1/1 माइनस cos स्क्वायर, सॉरी cos 2a क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम लोग 2 साइन स्क्वायर a निकाल लें तो वो कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2a, ठीक है, 1 माइनस cos 2a, है ना। और अगर हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला इसका ज्ञात कर लें 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 हाफ एंगल फॉर्मूला, तो 1 माइनस cos a हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इससे अगर हम लोग cos 2 cos स्क्वायर a निकाल लें तो वो कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2a, है ना। और इसका हाफ एंगल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos a बाय cos a, है ना। तो देखो क्या क्या हो गया, 1 माइनस cos a का वैल्यू कितना 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, और 1 प्लस cos a का वैल्यू कितना 2 cos स्क्वायर a बाई 2, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है, tan a बाई 2 tan थीटा कब आएगा, जब हम लोग साइन और cos को डिवाइड करेंगे आपस में, ठीक है। तो देखो इसमें से ये किसका फॉर्मूला हो गया, इसका फॉर्मूला पहले ऑप्शन को देखते हैं तो ये यहाँ पे पहले ऑप्शन से ही हम लोग को मिल जाएगा। देखो 1 माइनस cos a क्या होता है 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर a बाई 2, है ना। अब देखो 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a बाई 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a बाई 2, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा tan स्क्वायर a बाई 2 रूट के अंदर, तो रूट से जब बाहर आएगा वो क्या हो जाएगा tan a बाई 2, है ना। तो हमारा यही इसी को अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, तो इसी से आ गया tan a बाई 2 इक्वल टू x, है ना। तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये पहले ऑप्शन से ही हो गया, है ना। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, ठीक है, इस संख्या को इसी संख्या से गुणा किया जाता है, परिणामी संख्याओं के अंकों का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिए, आप लोग को अगर कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कि अगर हम लोग 11 को 11 से गुना करते हैं तो कितना आता है 121, 111 को 111 से गुना करते हैं तो कितना आता है 123 फिर 21, मतलब कि जितना 1 है उतने डिजिट तक हम लोग जाते हैं शुरू करके 1 2 3, यहाँ पे 3 1 है तो 1 2 3 तक जाएंगे, फिर 3 से वापस 1 तक आएंगे। इसी तरह से अगर 4 1 होता और उसको 4 1 से गुना करते हैं तो वह कितना होता 1 2 3 4, फिर 4 से 1 तक वापस जाएंगे 3 2 1, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग को बोला क्या जा रहा है कि 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक कितना है 1 है, तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसको गुना करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकों की संख्या इधर भी है 9 अंकों की संख्या इधर भी है, इसको मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 1 है तो 9 तक जाएंगे, फिर 9 से 1 तक वापस आएंगे 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ये हो जाता। तो अब क्या हम लोग से पूछा गया है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन के बाद नंबर आया तो इसका डिजिटल सम कितना होगा, है ना। तो डिजिटल सम हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं 1 से 8 तक का, है ना, 1 से 8 तक का जो है वो सम कितना होता है, वो होता है यहाँ से यहाँ तक का सम। सम निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं n(n+1)/2, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए 1 से 8 सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 36 आएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 36 आएगा, और इसमें 9 जोड़ देंगे तो
तो 36 36 72 9 81 टोटल डिजिटल सम कितना आ जाएगा इसका, 81 आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 1 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 5 से विभाजित नहीं है। ठीक है, 2, 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली 1 से 900 में से कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप लोग क्या कीजिए कि 1 से लेकर 900 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 900 संख्या, तो उसमें से 2 से कितनी संख्याएं विभाजित होगी, 2 से विभाजित हर 2 संख्या में से एक संख्या 2 से विभाजित होगी और एक संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, मतलब 2 में से एक संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरह से 3 से कितनी संख्याएं विभाजित होगी, हर 3 संख्या में से 2 संख्या जो है 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, और 5 से कितनी संख्या विभाजित नहीं होगी, हर 5 संख्या में से एक संख्या विभाजित होगी और 4 संख्या जो है वो विभाजित नहीं होगी 5 से। ठीक है, तो 900 में से अगर 2 से विभाजन अगर उसको किया जाए तो हर 2 में से एक संख्या विभाजित होगी, एक संख्या नहीं विभाजित होगी। हर 3 संख्या में से अगर 3 से विभाजन करना है तो हर 3 संख्या में से 2 संख्या विभाजित नहीं होगी, एक संख्या विभाजित होगी, और हर 5 संख्या में से 4 संख्या विभाजित नहीं होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसी ट्रिक को अपनाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो 3 से 3 5 15 15 6 90, ठीक है, ये कैंसिल हो गया 60 बार में, तो 240 ये हमारा आंसर आ गया। कितना आसानी से हम लोग इसका आंसर ले आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये बताएंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है कि यदि 2 संख्याओं का योग 60 है और इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 5 और 75 है, इसका मतलब हो गया HCF और इसका मतलब हो गया LCM। ठीक है, योग दिया हुआ है, मान लीजिए 2 संख्याएं हैं A प्लस B, तो A प्लस B, A और B 2 संख्याएं हैं, तो उसका योग कितना दिया हुआ है 60, और उसका HCF दिया हुआ है 5 और LCM दिया हुआ है 175। और जब भी उसके व्युत्क्रमों का योग यानी कि रेसिप्रोकल का योग पूछा गया ना, रेसिप्रोकल का योग अगर पूछा गया मतलब कि 1/A + 1/B पूछा गया, तो हम आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वो जो योग है ना उसको LCM और HCF के मल्टीप्लिकेशन से भाग दे देना है। ठीक है, तो ये 5 से ये 12 बार में, तो ये हो जाएगा 12/175 आंसर, है ना, शॉर्ट ट्रिक 12/175। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये LCM हो जाएगा AB और नीचे ऊपर आ जाएगा A प्लस B, है ना, और AB क्या होता है, 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, HCF और LCM के बराबर होता है, है ना, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन से इसको डिवाइड कर दिए। तो जब भी आपको रेसिप्रोकल पूछा जाए, संख्याओं का व्युत्क्रम पूछा जाए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, योग को भाग दे देना है LCM और HCF। अगला क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 और 1015, 1015 नहीं है यहाँ, 1615 कर लीजिए आप लोग, हाँ 1615 है यहाँ पे, कितना है 1615, 1615 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4 और 5 बचता है। ठीक है, 1015 रहने से भी आंसर हम लोग HCF तो निकाल ही लेते, लेकिन यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से आंसर मैच नहीं करता, इसलिए इसको हम लोग 1615 लेके बनाते हैं। तो क्या करना है कि अगर 1250 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो शेष कितना आता है, 4 आता है, और 1615 को भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है, 5 बचता है। ठीक है, तो इस तरह के केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1250 में से 4 जो शेष बच रहा है उसको घटाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1246, और 1615 में से 5 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 1610, और इसका हम लोग HCF निकालेंगे। ठीक है, अब HCF निकालने का कोई तरीका
सबसे आसान तरीका जो होता है, आप लोग में से बहुतों को पता होगा, और जिसको नहीं पता होगा उसके लिए बता दे रहे हैं एक बार, कि 460 मान लीजिए कि तीन संख्या हैं, 460, 491 और 553। इसका अगर HCF निकालना है तो HCF आप लोग कैसे निकालेंगे? डिवीज़न मेथड से, फैक्टर मेथड से? नहीं, वैसा नहीं निकालना। क्या करना है आप लोग को, जो दो नज़दीक की संख्या है ना उसका आप डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, डिफरेंस जितना आएगा या तो HCF वही होगा या फिर उसका कोई फैक्टर होगा। दो संख्याओं का जो HCF है ना उसका डिफरेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, दो संख्याओं का जो डिफरेंस है उससे बड़ा उसका HCF कभी नहीं होता। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 31 है ना। तो इसका, इस तीनों का जो HCF है वो या तो 31 होगा या तो 31 का कोई फैक्टर होगा। तो 31 से अगर हम भाग दे के देखते हैं तो इसमें भी भाग लग रहा है, इसमें भी भाग लग रहा है, इसमें भी भाग लग रहा है। तो इसका HCF अगर निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग को 1246 और 1610 का HCF निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका डिफरेंस निकाल देंगे। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 364। ठीक है, तो इसका जो HCF होगा ना 1246 और 1610 का, इसका HCF जो है वो 364 से बड़ा नहीं हो सकता। या तो 364 होगा या तो 364 का कोई फैक्टर होगा। ठीक है, तो 364 से अगर दोनों को भाग देते हैं तो नहीं लग रहा है, तो ये 364 तो होगा नहीं। अगर इसका हम लोग फैक्टर करते हैं तो ये आता है 2×13×14, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग दो से भाग दे रहे हैं तो लग जा रहा है, हम लोग को सबसे बड़ा संख्या से भाग दे के पहले देखना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग को निकालना है ना। तो 14 से अगर हम इसको भाग दे रहे हैं तो लग जा रहा है, और इसको भाग दे रहे हैं तो इसमें भी लग जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका HCF कितना होगा, 14 होगा। और हम लोग को HCF ही निकालना था डिफरेंस करने के बाद, जो जो भी शेष बच रहा है उसको घटाने के बाद जो संख्या हम लोग को प्राप्त हो रही है उसी का HCF हम लोग को निकालना था। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। एवरेज से क्वेश्चन है कि किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 kg, यदि लड़कियों का औसत भार 50 kg और लड़कों का औसत भार जो है वो 65 kg है, तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स वाई जेड मान के, एक्स वाई मान के, इस तरह से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60 स्टूडेंट हैं। ठीक है ना, अब क्या कीजिए आप लोग, अब इधर लिखिए एवरेज वेट ऑफ गर्ल। ठीक है, और इधर लिखिए एवरेज वेट ऑफ बॉयज, ये कितना है, ये है 50 kg और ये है 65 kg। और टोटल क्लास का जितना भी एवरेज वेट है ना, टोटल क्लास का जितना एवरेज वेट है उसको यहाँ पे लिखिए आप 55। अब यहाँ एलिगेशन मेथड लगाइए, अब क्या कीजिए, बड़े वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाइए। तो बड़े वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाइए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये kg में है तो ये 5 kg आ जाएगा इधर, और इधर कितना आ जाएगा, ये 10 kg। ये जो डिफरेंस आया ना, ये आ गया गर्ल और बॉयज का नंबर का रेशियो है ना। ये केजी में नहीं होगा, केजी तो कैंसिल हो जाएगा, केजी यहाँ कोई, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, ये आ गया 10:5 है ना, 10:5। 10:5 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, मतलब कि गर्ल और बॉयज़ का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 10:5 आने की 2:1 है ना, 2:1। अब टोटल स्टूडेंट कितना है, 60 स्टूडेंट है। 60 स्टूडेंट में से दो टोटल, अगर अनुपातिक सम हम लोग निकालें, 2/3 जो है वो क्या है, वो गर्ल्स है। तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 बार में तो ये 40 हो जाएगा, यानी कि ये गर्ल्स की संख्या हो गया। और इसी तरह से अगर बॉयज़ का संख्या अगर हम लोग को निकालना हो तो क्या करना होगा, हम लोग को 60×1/3 तो 3 से ये 20 बार में तो ये 20 है ना। तो बॉयज़ की, गर्ल्स की संख्या 40, बॉयज़ की संख्या 20, तो आंसर क्या हो जाएगा, 40 और 20। ठीक है, इस तरह से एलिगेशन मेथड लगा के आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मोहन ने 18,000 में दो पुराने स्कूटर खरीदे, एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचने पर उसे कुल मिलाकर ना तो लाभ होता है ना कोई हानि,
स्कूटरों को अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, स्कूटरों के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आप आसानी से एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोनों स्कूटर का जो है कितना में खरीदा था, वो सीपी कितना था 18,000, ये दोनों का है ना, टोटल सीपी जो है वो कितना था 18,000। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले स्कूटर को वो 25% लाभ पे बेचता है, प्लस साइन देते हैं, दूसरे को 20% हानि पे बेचता है, या 20% माइनस 20% लिखते हैं। अब क्या है कि टोटल में उसको ना तो हानि हुआ है ना तो लाभ हुआ है, मतलब कि 0%। ठीक है, अब यहाँ भी एलिगेशन मेथड लगाते हैं, है ना। अब ये जो है बड़े वाले में से छोटी संख्या को घटाना है इधर और इधर। ठीक है, तो ये यहाँ आ गया 25% और यहाँ आ गया बड़े वाली संख्या 20 में से माइनस, जीरो में से माइनस 20 घटाएंगे तो 20% आ गया, है ना। और ये जो रेशियो आ गया वो रेशियो क्या किस चीज़ का है, ये सीपी का रेशियो है। तो सीपी का जो रेशियो है वो कितना आ गया, सीपी का रेशियो जो आ गया वो आ गया 20/25, यानी कि 4:5, है ना, 4:5। तो अगर हम लोग को पहला का सीपी वन निकालना है सीपी वन वो कितना हो जाएगा, 18,000 गुना 4/9, 9 से ये दो बार में, तो ये 8,000 आ गया। अब एक का 8,000 है, दोनों को हम लोग 18,000 में बेचे हैं, तो दूसरा कितना होगा, 10,000 होगा। तो 8,000 और 10,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से एलिगेशन मेथड लगा के आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन किस्त पे आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹550 का ऋण दो समान वार्षिक किस्तों में अदा करना है, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। ठीक है, तो दोस्तों इससे संबंधित पहले फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, अगर मान लिया जाए कि पी अमाउंट है, ठीक है, उसको उसमें कितना किस्त लगेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। मान लीजिए किस्त की राशि x प्रतिशत है, पहले साल जो है वो 1+R/100 होगा, दूसरे साल के लिए अगर समान किस्त है तो यहाँ पे x होगा, और 1+R जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा बटे 100^2 होगा। इस तरह से ये चलता रहेगा, है ना, इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो हमारे केस में क्या है कि जो है राशि ऋण की राशि कितनी है, पी जो है वो ऋण की राशि होती है, तो ऋण की राशि कितना दिया हुआ है 550, तो हम लोग यहाँ पे 550 लिखें। अब हम लोग माने कि जो किस्त की राशि है वो कितना है, x है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम लोग को दिया हुआ है 20%। ठीक है, तो वह 1/20/100, और दूसरे साल में x डिवाइडेड बाय 1+20/100² ठीक है, तो ये 1/5 हो गया, यहाँ से ये 1/5 हो गया। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये 550 हो गया, और इधर सॉल्व करते हैं तो ये 1+1/5 हो जाएगा 6/5, और यहाँ हो जाएगा x/6/5² ठीक है। अब एलसीएम लेके इसको ऐड करते हैं तो एलसीएम इसका आ जाएगा 6/5² तो इसको हम लोग इधर डायरेक्ट गुना कर देते हैं 6/5 × 6/5, और इधर कितना हो जाएगा 6/5x+x, है ना, और इधर ये हो जाएगा 11x/5। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा, देखो 11x/5 है, ये 5 से ए 5 चला जाएगा, और ये 11 ये इस 5 से 110 बार में चला जाएगा, 110 है, और ये 11 से ये 10 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 6 × 6 36 × 10 360। ठीक है, तो किस्त की राशि कितनी होगी, 360। ठीक है, अगला क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार बाल्टी है, ठीक है, सिलेंड्रिकल बाल्टी है जिसकी ऊंचाई कितना दी हुई है, 27 सेंटीमीटर, और त्रिज्या आधार की त्रिज्या दी हुई है 48 सेंटीमीटर को रेत से भरा जाता है। जब बाल्टी को जमीन पर खाली किया जाता है तो 54 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकुकार ढेर बन जाता है, ठीक है, तो ढेर की ऊंचाई कितनी होगी। तो इस केस में क्या है कि वॉल्यूम जो होगा वो दोनों का बराबर होगा, क्यों, क्योंकि बाल्टी में जितना बालू भरा हुआ था
उसी से हम लोग शंकु बनाए हैं, उसी से हम लोग कौन बनाए हैं। तो दोनों का जो मान ले जाए कि जो बेलन का वॉल्यूम होगा, मतलब कि सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कौन जो शंकु बना है उसका, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो आर कितना है उसका, आर कितना है 48 गुना 48 और एच कितना है 27। और वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या कितना है 54 गुना 54 और इसका एच जो है हम लोग को निकालना है, ठीक है। एच जो है हम लोग को निकालना है, तो यहाँ से अगर हम लोग ये पाई से इस पाई को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 27 से ये दो बार में चला जाएगा, ठीक है, और 3 से ये 18 बार में चला जाएगा। अब यहाँ से 2 से ये 24 बार में चला जाएगा और 18 से अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, h का वैल्यू आ जाएगा इधर मेरे पास कितना बच गया है, 48 गुना 24 बटे 18, तो 6 से 6 चौके 24 और 6 से ये 18, 3 से ये 16 बार में, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर। तो 64 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये, बस आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ समान होगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन को करते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, काफ़ी ट्रेंड में है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर मान ली जाए कि रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए प्लस सॉरी तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, कि अगर मान ली जाए कि ए है प्लस रूट अंडर ए है माइनस रूट अंडर ए है और फिर प्लस रूट अंडर ए है और फिर रूट अंडर सॉरी ये रूट यहाँ नहीं होगा, ये इस तरह से है और इस तरह से ये जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4a-3 रूट अंडर प्लस 1/2, है ना, इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर ये प्लस से शुरू हो रहा है, ये माइनस से शुरू होता, यहाँ प्लस होता और यहाँ माइनस शुरू होता, अगर ये इस तरह से होता, अगर मान लीजिए a है माइनस रूट अंडर a है प्लस रूट अंडर a है फिर यहाँ पे माइनस रूट अंडर ए है, इस तरह से जाता, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4a-3 -1/2, ठीक है, ये इस पे रूट रहेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि 4 है यहाँ पे, ए के जगह पे कितना है 4 है, ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a-√4a-3, तो ये कितना हो जाएगा √4 × 4 -3 + 1, ठीक है, बटे 2, तो ये हो जाएगा 4 16 -3 13 13 √13 + 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सेम क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, इसका आंसर आप लोग क्या कीजिए कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि x इक्वल टू √6 - √6 + √6, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, ये सेकेंड वाले फॉर्मूला, ये फर्स्ट ये सेकेंड, ये फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नोट डाउन कर लीजिए इस फॉर्मूला से, इसका आप आंसर करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस के लिए लाऊं, ठीक है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।